बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सारी खुश नसीब करे, आमीन। तो मैं इस वक्त एक घर के अंदर मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप फैमिलीज देख रहे हैं, तकरीबन 20 फैमिलीज हैं जिनका जो है ना प्रॉब्लम है राशन का, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है। काफ़ी सारे लोग जो है ना अल्लाह पाक की राह में दे रहे हैं। हमारे पास जो राशन था वो हम पहले ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। तो ये फैमिलीज आई हुई हैं बहुत दूर से, इनमें से कुछ बेवा हैं और जिनके जो है ना कुछ के जो है ना हस्बैंड एज अ मजदूरी करते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो राशन ख़रीदें, ठीक है, राशन से जो है ना वो अपने रमज़ान के रोज़े रख सके। अब माशाल्लाह से जैसे मैंने आपको बताया बाबरकत महीना, इसके अंदर इनको जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, इनको जो है ना माह रमज़ान के राशन की ज़रूरत है। ये इनमें तीन जो है ना बेवा है, इनमें ये देखें बहुत दूर से आई है जो कि डिस्टेबल है माँ जी, ठीक है, ये चल नहीं सकती, इसको जो है ना पकड़ के जिना लेके हैं। मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे सहब इस्तात भाई हैं, जितने भी लोग हैं जो अल्लाह पाक की राह में देते हैं, आप आएँ हमारा साथ दें ताकि हम इन लोगों का जो हक़ है वो इन लोगों तक पहुँचा सकें, क्योंकि इनके लिए जो है ना राशन की, मैंने आपको पहले बताया, राशन की ज़रूरत है। ताकि आएँ आप हमारा साथ दें, इनको राशन दें और ये रमज़ान के रोज़े आसानी के साथ रख सकें। इनसे पूछते हैं इनको ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा था ज़्यादातर ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, राशन रोजे रखना है जी, जी हाँ अट्ठा ना होती इन शाह। तो देख लें इनको जो है ना मोस्टली राशन और आटे की ज़रूरत है, क्योंकि अभी गंदम नहीं है, अभी गंदम का जो रेट है, जो न्यू गंदम आ चुकी है इस वक्त मंडियों के अंदर 5000 रुपये फी मन का हिसाब दे रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई जो देखने वाले हैं सबसे, कि इन फैमिलीज को दें ताकि ये रोज़े रखें और जो है ना आपको बहुत सारी ढेर सारी दुआएँ दें। अस्सलाम वालेकुम।